नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग पुलाव बनाने वाले हैं। पुलाव बनाने के लिए आपको चाहिए बासमती राइस, जो आप दो तीन पानी से धोकर रख लें। पानी में अच्छी तरह बॉईल आने के बाद इसमें हाफ टेबल स्पून घी डालें। इसमें गरम मसाला डालेंगे, दो इलायची, जायत्री, तेजपत्ता और दालचीनी। इसमें चावल डालें, चावल को पानी में मिक्स कर लें। बीच बीच में चावल को चेक करते रहें। एक दाना चावल को हाथ में दबाकर देखें कि पका या नहीं। हमारा चावल पक गया है, इसे छान लें। पुलाव को फ्राई करेंगे, कढ़ाई में एक चम्मच घी डालें। हम लोग थोड़ा प्याज फ्राई करके निकाल लेंगे। प्याज को लाल करके निकाल लें। फिर से इसमें एक चम्मच घी डालेंगे। इसमें पनीर फ्राई कर लें। पनीर फ्राई हो गया है, इसे निकाल लें। इसी में एक चम्मच और घी डालें। इसमें थोड़ा सा मटर डालें। इसमें थोड़ा सा काजू किशमिश डालें। इसमें चावल डालें, हाफ टेबल स्पून चीनी डालें, थोड़ा सा नमक, दो पिंच फूड कलर डालें, थोड़ा सा मावा इसमें क्रश कर कर डाल दें, हाफ टेबल स्पून गरम मसाला डालें, इसमें फ्राई किया हुआ पनीर डाल दें, फ्राई किया हुआ प्याज डालें, इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। हमारा पुलाव बनकर बिल्कुल रेडी है। इसे धनिया, मावा और फ्राई प्याज से गार्निशिंग करके सर्व करें। अगर जब आपको हमारा रेसिपी अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कैसा लगा। थैंक यू।